नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। इस चैनल पर मैं लगातार आपको वैकेंसीज के बारे में बताता हूं, साथ ही साथ आपको यहां काफी सारे जीके के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इस तरीके के काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस बताए जाते हैं जो अमूमन हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ आज के इस वीडियो में एक और नई वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। काफी अच्छी वैकेंसी है, अगर आप इसकी योग्यताओं को पूरा करते हैं, इसके मापदंडों को पूरा करते हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका सिलेबस भी क्लियर हो चुका है, इसकी इवन दैट एग्जाम डेट भी क्लियर हो चुकी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं पहले वैकेंसी का डिटेल, फिर इसके बारे में आपसे और भी डिटेल से बात करते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और पशुधन सहायक भर्ती 2022 के नाम से ये वैकेंसी आ गई है। 11 मार्च 2022 यानी कि कल इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका था। अब इसका डिटेल एक बार आपको यहाँ नीचे बता देता हूं। तो पदों की संख्या सबसे पहले हम देख लें तो पशुधन सहायक के कुल 1136 पद हैं, 1136, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 981 और अनुसूचित के 155 पद हैं। अब यहाँ नीचे इसका डिटेल देखें, आवेदन आदि भरने के बारे में बताया हुआ है। तो सीधी सी बात है, आपका SSO ID बना हुआ होना चाहिए, नहीं बना तो आप बना लेना, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो कि ऑफिशियल है। आवेदन की परीक्षा शुल्क के बारे में बात करें, इसकी फीस की बात करें, तो जनरल की जो फीस है वो ₹450 है और जो OBC और MBC की है, EWS की है, वो ₹350 है। SC ST बाकी इससे कम कैटेगरी की जो भी फीस रखी जाती है वो ₹250 है। अब यहाँ इसके एडमिट कार्ड के बारे में बताया हुआ है, तो एडमिट कार्ड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख लेना, वहां आपको दिखाई देगा। अब इसके पदों की संख्या एक बार देख लेते हैं किस प्रकार इन्होंने इसका डिवाइडेशन किया है। जनरल के पद हैं यहाँ 245, अनुसूचित जाति यानी कि ST के पद हैं, SC के पद हैं 106, ST के 80, OBC के 140 और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि MBC के 33, EWS के 67 और 12 जिले की सहरिया आदिम जनजाति के 18 पद हैं। इसकी सैलरी की बात करें, इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें पशुधन सहायक के लिए, तो सैलरी आपको पे मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार 26,300 से ₹85,500 निर्धारित की गई है। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी या पात्रता की या शैक्षणिक योग्यता की। तो आप सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए, लेकिन सीनियर सेकेंडरी में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोलॉजी, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास होने जरूरी है या इसके इक्विवेलेंट कोई सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा 1 ईयर 2 ईयर ट्रेनिंग ऑफ लाइफ स्टॉक असिस्टेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने 1 साल या 2 साल का लाइफ स्टॉक असिस्टेंट का काम किया हुआ होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग आपकी की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा आपको वर्किंग नॉलेज के साथ साथ हिंदी और देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन ऑफ मोड है, वो आपका एग्जाम के थ्रू ही होना चाहिए, होना है, इसमें ये क्लियर किया हुआ है। अब मान लीजिए आप किसी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो भाई एक बात ध्यान रखना, आपके इंटरव्यू अगर है या फिर आपका मेंस एग्जाम है तो या फिर आपका एग्जाम है तो उसकी डेट तक आपके पास ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाने चाहिए, योग्यता आपकी पूरी हो जानी चाहिए, वरना आपको यहां से बाहर कर दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल कम से कम, 40 साल अधिक से अधिक है। रिजर्वेशन वालों को छूट है, राजस्थान वालों को ही मिलेगी, बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं अदर स्टेट के उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। पेंशन की बात करें तो नियम अनुसार आपको दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है, आप फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं। तो 19 मार्च 2022 से 17 अप्रैल 2022 के बीच आप इसके फॉर्म फिल कर सकेंगे। 4 जून 2022 को आपका टेंटेटिव एग्जाम का डेट यहां दिया हुआ है और इसका जो एडमिट कार्ड है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख पाएंगे। फॉर्म आपको भरना है, फिलअप करना है, ऑनलाइन भरा जाएगा और इसके लिए आपको भाई यहां मैंने लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट का ऑफिशियल का, आप वहां पर जाकर इसका डिटेल भी देख सकते हैं और अपना आवेदन भी भर सकते हैं। तो ये था पशुधन सहायक भर्ती का डिटेल, यानी कि कुल मिला के साइंस वाले जो भाई हैं, मेरे भाई बहन हैं, जिनके पास बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये रहा हो, जिनके पास लाइव स्टॉक असिस्टेंट का, जिनके पास किसी भी तरीके का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मत मानना कि ऐसे काफी कम मिलेंगे, लेकिन हाँ, ऐसे भाईबहनों की संख्या काफी कम होती है, इसलिए ये जो सिलेबस है, ये जो कोर्स है लाइव स्टॉक वाला,
तो ये भी काफी अच्छा कोर्सेज में भी जॉब लगने की संभावना रहती है। इस तरह की वैकेंसी जब आती है तब ये चीजें सामने आती हैं, और मैं आपको वैसे भी इसके बारे में लगातार बताता रहता हूँ, डिटेल देता रहता हूँ, आपको भी चेक कराता रहता हूँ कि हाँ भाई इस तरह के कोर्सेज कीजिए जिसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार की काफी संभावनाएं हो। तो यहाँ तो ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट जॉब आपके सामने है जिसकी सैलरी पैकेज भी काफी अच्छे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लेंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।